हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको शेप्स के बारे में बता रहे हैं। आप अपने बच्चों को शेप्स के बारे में कैसे बताएं, उनको कैसे रिकॉग्नाइज कराएं, कैसे पहचान करवाएं कि कौन सी चीज़ किस शेप की है। तो आप उनको पहले आप बना के दीजिए, दिखाइए उनको। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखाया है, सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओवल एंड कोन। सर्कल सबसे ईजी होता है बच्चों के समझने के लिए, सर्कल यानी गोल, गोलाकार। तो गोलाकार में आपका सबसे पहला एग्जाम्पल जो बच्चे रोज खाते हैं, दिन में 2 बार 3 बार उसको जरूर खाते हैं, या सही पहचाना आपने, रोटी, रोटी या पराठा, वो सर्कल शेप में होता है। पैसे जो सब बच्चे जानते हैं कि ये पैसे हैं, सिक्के हैं, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, सबके सिक्के गोल शेप में होते हैं। तो आप उससे भी बता सकते हैं बेटा ये सर्कल शेप में है। नेक्स्ट बॉल, जिससे बच्चे बहुत अच्छे से खेलते हैं, तो बॉल से बच्चे खेलते हैं, बॉल्स बताइए बच्चों को, ये सर्कल है, तो सर्कल शेप में है वो, इसलिए वो बॉल, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, बॉल जो होती है वो सर्कल शेप में होती है। आप सर्कल शेप में चश्मा, अगर दादाजी का चश्मा हो, वो भी गोल अगर हो, तो आप बताइए कि ये भी सर्कल शेप में है। ऐसे आप घर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, आपको मिल जाएंगे इजीली। तो आप बच्चों को बताइए बेटा ये सर्कल शेप में है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्राइंगल। ट्राइंगल में आप उनको बताइए 3 कोने होते हैं और तीनों साइड्स इनकी लगभग बराबर होती है। स्टार्टिंग में जब आप सिखाएं तो ट्रायंगल उसको उनको इस टाइप का ही सिखाएं। बाकी आप जब बड़ी क्लास में जाएंगे तो वो अपने आप सीख जाएंगे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्रायंगल्स के बारे में। अभी आप सिंपल उनको ट्रायंगल के बारे में बताइए। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है समोसा। बच्चे समोसा अगर खाते हैं तो ट्रायंगल शेप में होते हैं। मैड एंगल्स, मैड एंगल्स जो बच्चे खाते हैं वो भी ट्राइंगल शेप में होते हैं। जब बच्चा खाए मैड एंगल्स, आप बताइए उनको कि ये ट्राइंगल शेप में है। ऐसे ही ट्राइंगल शेप में आप और भी घर में बहुत सारी चीज़ें आप उनको बता सकते हैं कि ये ट्राइंगल शेप में है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं, तो स्क्वायर्स आप बता सकते हैं उनको, कोई भी चीज़ स्क्वायर में, अगर आपके घर में है बॉक्स या और भी आपके घर में काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, कोई बुक हो स्क्वायर शेप में, तो स्क्वायर शेप में ही बताइए उनको। रेक्टेंगल शेप में मत बताइए, स्क्वायर शेप वाली ही बुक बताइए, डायरी बता दीजिए, जो भी स्क्वायर शेप में आपके पास घर में हो आप बता सकते हैं कि ये स्क्वायर शेप में है। हैंकी जो होता है वो स्क्वायर शेप में होता है। तो हैंकी या हैंकरचीफ दोनों सेम ही होते हैं। रुमाल, ये आपका चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हैंकी स्क्वायर शेप का, क्योंकि बच्चे हैंकी का यूज़ करते हैं तो वो स्क्वायर शेप में हो जाता है। नेक्स्ट आ गया हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वो फिलहाल मास्क है। मास्क जो सिंपल मास्क यूज़ करते हैं रेक्टेंगल शेप में, 5 रुपये का मिल जाता है, लाइट ब्लू कलर का होता है, डॉक्टर्स वगैरह भी इसको यूज़ करते हैं, तो रेक्टेंगल शेप में होता है वो मास्क जो कोरोना में सबने यूज़ करा है, सबसे सस्ता। और रेक्टेंगल शेप में आप बुक, रजिस्टर, पेंसिल बॉक्स, बॉक्स, काफ़ी एग्जाम्पल आप बच्चों को बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओवल। ओवल शेप में आपका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है एग। एग यानी अंडा, अंडा जो होता है ओवल शेप में होता है। इसका एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो बच्चे बहुत खाना पसंद करते हैं, या सही पहचाना आपने, किंडर जॉय। किंडर जॉय भी इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा कोन। कोन कोन आपका, बच्चे आइसक्रीम कोन खाते हैं अगर, तो आप उनको बताइए कोन के शेप में है, बच्चों को पता है कोन है, तो ये कोन का ही एक रूप है, कोन की शेप से रिलेटेड है, तो वो कोन जो है आइसक्रीम कोन, वो भी इस कोन का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बर्थडे कैप, जो बच्चे अपने सिर पर लगाते हैं जब बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो ये भी एक उनका बेहतरीन एग्जाम्पल हो सकता है। तो आप बच्चों को ये सारे शेप्स आसानी से कराइए, विद एग्जाम्पल्स कराइए, अपने घर में जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं आप उन सब की हेल्प लेकर बच्चों को शेप्स की जानकारी दे सकते हैं, घर पर ही, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर पर बैठे बैठे आप उनको सारे शेप्स पहचान करवा सकते हैं, रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं। अगर वीडियोस पसंद आती हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके लिए हेल्पफुल है तब भी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियोज़ को लाइक भी कर दें एंड शेयर भी कर दें। थैंक यू, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।